हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास टेंथ में टेंस चैप्टर को जारी रखते हुए जो हमारा टेंस चल रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, जिसको अपन हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लास्ट वीडियो कलांश में आपको बतलाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहने का मतलब यह अपूर्ण वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल इसे क्यों कहते हैं, तो ये समझना है आपको कि इसमें जो कार्य वो अधूरा रहता है या जारी रहता है। तो जैसे हमने इसकी पहचान बताई थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहे, रहिए, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, या किसी कार्य को जारी दर्शाया जाए, उस जारी दर्शाने के लिए क्या होता है, हुआ है, हुई है, हुए, या कई बार है शब्द भी आ जाता है, उससे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही मानकर चलते हैं और उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही उस वाक्य को अपन बनाते हैं। फिर इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी। हेल्पिंग वर्ब में जैसा कि आपको पता है तीन क्रियाएं हैं इसमें, इज, आर और एम। उनको तीनों को एक साथ नहीं लगा सकते, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार उनका प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सीट नेम के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यू देवी के साथ आर लगाते हैं, और केवल आई के साथ क्या लगाते हैं अपन, एम लगाते हैं। इसके बाद मेन वर्ब क्या होती है, तो कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो केवल कंटिन्यूअस है चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हमेशा ING फॉर्म लेते हैं। किसी कार्य को जारी दर्शाने के लिए हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करना होता है, तो बी फोर्थ जिसको कहते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया में अपन ING फॉर्म लगाते हैं। और ING ये भी ध्यान रखनी है आपको कि हमेशा ING फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है। एक वाक्य आपको बतलाया था, उसके सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक एक ही वाक्य को बदला था, तो आपको ये समझना है कि इसका जो सूत्र है, सिंटैक्स है, वो सकारात्मक का होगा। नॉट लगाने से वही नकारात्मक हो जाएगा। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि वही हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से स्टार्ट होगा, हमें केवल पहचान देखनी, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में सब्जेक्ट के बाद अपन नॉट लगा दें, ठीक है ना। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो इससे संबंधित हम और दो चार वाक्य और देखते हैं, सभी तरह के देखते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। तो देखिए, नंबर एक सेंटेंस है अगला, जो कल का अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये दो हो जाएगा। जैसे देखिए, कुछ लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो देखिए, अकर्मक क्रिया है दौड़ना, जिसको रन कहते हैं, रहे हैं पहचान है, क्रिया आपके लिए बन गई दौड़ना। कौन दौड़ रहे हैं, कुछ लोग। कहाँ दौड़ रहे हैं, सड़क पर, तो ये प्लेस हो गया। तो यहाँ पर हम इसको एज ए सब्जेक्ट लगाएंगे, सम प्यूपिल। अब सम प्यूपिल जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसलिए हम वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे या वर्ब का प्रयोग करेंगे वो आर लगाएंगे। सम प्यूपिल आर रनिंग ऑन द रूट, ठीक है ना। नंबर दो, सेंटेंस नंबर दो देखें, अध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा
रहा है, अध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। तो राय पहचान है, कौन नहीं पढ़ा रहा है? द टीचर इज नॉट, पढ़ाना वर्ब टीच, अध्यापक कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। द टीचर इज नॉट टीचिंग, हिंदी इन द क्लास, इस तरीके से। क्या पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हुए हैं? क्या पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हुए हैं? तो हमको समझना है वाक्य प्रश्नवाचक है, क्या से शुरू है, और क्या से शुरू होने के लिए हमें पहले वर्ब लगानी है। तो इसमें बैठना क्रिया हो गई, कौन बैठे हुए हैं? कुछ बंदर बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हुए हैं? पेड़ पर। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? बैठने वाला कौन है? कुछ बंदर है। तो यहाँ पर कुछ बंदर हैं वो आर सम मंकीज, और वर्ब है आपकी सिट, सिटिंग हो जाएगा। आर सम मंकीज सिटिंग इन द ट्री, ये। तो इस तरीके से ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि रन और सिट वर्ब में डबल अक्षर हो जाता है आईएनजी लगाते समय, ठीक है ना? तो सिटिंग में होता है, रनिंग में नहीं होता है। रनिंग आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग, रनिंग में नहीं होता, ये गलती हुई है, सॉरी। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखें, चौथा सेंटेंस देखिए आप। तुम्हारा भाई आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है ना? तो तुम्हारा भाई आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? तो जाना आपके लिए वर्ब हो गई। तुम्हारा भाई कौन? तुम्हारा भाई योर ब्रदर आज के लिए एडवर्ब वर्ड है, और विद्यालय और क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज योर ब्रदर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, इस तरीके से। एक और भी सेंटेंस आप देखें, राम कमरे में कहाँ पढ़ रहा है? राम कमरे में कहाँ पढ़ रहा है? वेयर इज राम रीडिंग इन द रूम? वेयर इज राम रीडिंग इन द रूम? तो ये आपके एक सामान्यतः वाक्य आपके जो आपको समझने हैं और ध्यान देना है इन पर। और इस तरीके से हमारा सामान्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई भी वाक्य और जो नियम हैं आपके, अन्य नियमों को आप और फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात बतलाई थी उनको और थोड़ा सा एक एक वाक्य देखें, आप दो वाक्य कंप्लीट देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका, इस प्रतियोगिता में, इस प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, इस प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी को क्या कहते हैं अपन, हाउ मैनी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ हाउ मैनी के साथ हमने क्या लगा दिया, स्टूडेंट, जैसे कि आपको पिछले टेंस में बतलाया कि चार शब्द इस तरीके के होते हैं, हुज विच हाउ मच, हुज विच हाउ मच हाउ मैनी, जो अपने साथ नाउन वर्ड को लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब भाग ले रहे हैं कौन ले रहे हैं, विद्यार्थी तो एज ए सब्जेक्ट है ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें आर लगाना होगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टेक पार्ट, तो एक तो हो गया टेकिंग पार्ट, ठीक है ना, एक पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना ही होता है, तो पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा वो वर्ब में आईएनजी लग के, ठीक है ना, एक तो टेक पार्ट है, दोनों शब्दों को मिलाकर हम क्या अर्थ दे देते हैं, भाग लेना, और एक भाग लेने का या हिस्सा लेना है उसके लिए कौन सी वर्ब आती है, पार्टिसिपेटिंग, तो उसको हम ऐसे पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना, पार्टिसिपेटिंग का मतलब भाग लेना, पार्टिसिपेट टेक पार्ट, इस प्रतियोगिता में, इन दिस कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, कॉन्टेस्ट, खेल प्रतियोगिता के लिए टूर्नामेंट ले लेते हैं, ट्रॉफी ले लेते हैं, तो कॉन्टेस्ट भी अपने आप में सी स्मॉल ही बनाना है कैपिटल ने, तो कॉन्टेस्ट कहते हैं प्रतियोगिताओं। तो ये आपका एक लास्ट सेंटेंस और देख लें आप, इस समय छत पर कौन पतंग उड़ा रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक है, इसमें कौन आया है, तो ऐसा नहीं इसका सकारात्मक वाक्य का नियम हो, नकारात्मक का अलग हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, हु इज फ्लाइंग, हु इज फ्लाइंग द काइट, ठीक है ना, हु इज फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ, छत पर के लिए क्या लगाओगे आप, और इस समय एट दिस टाइम, हु इज फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ, तो यहां पर हम ये भी लगा सकते हैं और दा भी लगा सकते हैं, ये हमारी स्थिति है कि हम दा लगाएंगे तो कोई विशेष है और ये लगाएंगे तो कोई भी है, फ्लाइंग ए काइट हो सकता है और फ्लाइंग द काइट है, तो यहाँ पर हमने दा लगाने से ये स्थिति आती है कि हमें उस पतंग के बारे में पता है कौन सी पतंग उड़ा रहा है, और ये लगाने से एनी हो जाता है, कोई भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने 5-7 जो भी ये सेंटेंस बनाना सीखा है वो आप ध्यान रखें, कोई सूत्र का हम इसमें सहारा नहीं लेते हैं,
और अगला टेंस पढ़ेंगे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ोगे अब? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में और कंटिन्यूअस में क्या है? तो कंटिन्यूअस तो क्या है, किसी कार्य को कैसा दर्शाता है? निरंतर अर्थात जारी दर्शाता है, ठीक है ना। किसी कार्य को जारी कौन सा टेंस दर्शाता है? कंटिन्यूअस। अब आ गया आपका नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात इसको आप बोलोगे पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस के अंदर क्या होता है कि किसी कार्य का पूर्ण होना दर्शाया जाता है। पूर्ण होना कैसे दर्शाया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, वह विद्यालय पहुंच चुका है, हम अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। तो जो कार्य समाप्त दर्शाते हैं वो कौन से टेंस में दर्शाते हैं? प्रेजेंट के, परफेक्ट में दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो पहचान है वो इस तरीके की है कि आपको ध्यान देना है कि इसके नंबर 1 पहचान लिखोगे आप। पहचान में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है और किया है। आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अर्थात इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य को इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य को पूर्ण दर्शाया जाता। तो इस टेंस का मतलब वर्तमान काल में कार्य को कैसा दर्शाया जाता है? पूर्ण दर्शाया जाता है, अर्थात जो कार्य करने वाला होता है वो कर चुका होता है। तो एक सामान्य पहचान है इसकी, और सामान्य पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है और किया है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अर्थात इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य को पूर्ण दर्शाया जाता है, ठीक है ना। नंबर 2 हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे अब? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया अर्थात HV। और HV क्या है इसमें?
हैज ऑब्लिक हैव। अब जब दो सहायक क्रिया हैं तो स्वाभाविक है हमें यह सोचना पड़ता है कि हम हैज कब लगाएं और हैव कब लगाएं। हैज हैव को दोनों को ही समझना पड़ता है। तो हैज हैव की कंडीशन जो होती है वो ये होती है, नोट डाल के आप लिखोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ता, ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ हैज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता आर यू दे वी के साथ साथ हैव लगाते हैं, ठीक है ना, हैव लगाते हैं। तो एक वचन करता ये आपको प्रतीकात्मक दिए हैं कि ही सीट नेम तो एक वचन है ही, इसके अलावा और भी कोई एक का प्रतिनिधित्व करता है, और कोई शब्द है जो एक के लिए इशारा करता है वो एक वचन ही होता है, और बहुवचन करता आयु देवी के साथ क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। अब तीसरी जो बात आती है वो क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, जिसको आप क्या कहते हो, शॉर्टली MB या मुख्य क्रिया। तो जो भी परफेक्ट टेंस होता है, हमेशा ध्यान रखें केवल जो परफेक्ट टेंस होता है उसको परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट में हमेशा किसको इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो MB थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब ये तीन बातें हमें क्लियर यदि हैं, तीन बातें कौन सी, पहचान है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। पहचान क्लियर हो गई, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है और MB थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल रटना होता है हमें जब कोई टेंस क्लियर है, तो टेंस में कभी भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम बोला जाए तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या हमको किताब पढ़ते समय या कोई सेंटेंस पढ़ते समय हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म नज़र आता है तो वो निश्चित रूप से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो एक बार और गौर करें कि पहचान, उसके बाद सहायक क्रिया हैज हैव, कैसे लगाते हैं हैज हैव को, एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, हैव। एक वचनकर्ता कौन से हैं जो अधिकांशतः हमें प्रयोग में लेने होते हैं, ही सी इट नेम एक वचन होते हैं और आयु देवी बहुवचनकर्ता होते हैं। फिर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं अपन, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये टेंस की मुख्य मुख्य तीन बातें क्लियर हुई। अब वही बात आ जाती है कि वाक्य से कर्ता क्रियाक्रम तलाशना, और कर्ता क्रियाक्रम तलाशने के बाद में उसको क्रमबद्ध तरीके से लिख देना, और ये हमारा टेंस का कार्य पूर्ण हो जाता है। अब देखिए इसके वाक्य देखें, देखिए जैसे कि एक सेंटेंस है, रेखा अपने बारे में एक लंबी कहानी लिख चुकी है, रेखा अपने बारे में एक लंबी कहानी लिख चुकी है।
तो सबसे पहले आपको क्या है, किस बात पर ध्यान देना है, पहचान पर। पहचान क्या है? चुकी है, ठीक है ना। तो रेखा अपने बारे में क्या लिख चुकी है, एक लंबी कहानी है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और कौन लिख चुकी है, रेखा, और अपने बारे में टोटली मैनर है। और वर्ब आपकी लिखना हो गई, वर्ब कौन सी हो गई, लिखना, जिसको राइट वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फॉलो करेंगे, और सब्जेक्ट कौन है, रेखा, ठीक है। तो रेखा हैज रिटन, रेखा हैज रिटन, भाई एक बच्चा ने तो हैज लगा दिया। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होते समय इसमें डबल टी हो जाता है रिटन, जबकि राइटिंग में डबल टी नहीं होता। तो रेखा हैज रिटन ए लॉन्ग स्टोरी अपने बारे में, अबाउट हर, ठीक है ना। अब अबाउट हर, अपने की अंग्रेजी अपने आप में कोई फिक्स नहीं होती, जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुकूल हमें अपने की, या तो प्रपोजिशन के साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, और प्रपोजिशन अगर नहीं है तो हमें उसका पजेसिव प्रोनाउन लगाना होता है। अब जैसे अपने की अंग्रेजी यहाँ नहीं है, दूसरा वाक्य और देखोगे आप समझ जाओगे उस कंडीशन को कि अपने से क्या कहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने को हम फिक्स कर दें कि सब अपने को माई कहते हैं या योर कहते हैं, अवर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस वाक्य को जब हम नेगेटिव स्वरूप देंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, रेखा हैज नॉट रिटन ए लॉन्ग स्टोरी अबाउट हर। अब इसको प्रश्नवाचक में देंगे तो हैज को आगे ले लेंगे, क्या से शुरू हो जाएगा हिंदी में वाक्य, हैज रेखा रिटन ए लॉन्ग स्टोरी अबाउट हर। और दूसरा होगा हैज रेखा नॉट रिटन लॉन्ग स्टोरी अबाउट, ठीक है ना। तो ये चार वाक्य आपके एफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव नेगेटिव तक बनाए गए। तरीका वही है, सब्जेक्ट एच बी एम बी, ऑब्जेक्ट और मैनर। नेगेटिव करने के लिए एच बी एम बी के मध्य नोट है, इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आएगी, चाहे वो क्या वाला वाक्य हो या डब्ल्यू एच वर्ड वाला। अब डब्ल्यू एच वर्ड हम कोई भी लगा दें इसके सामने जो वाजिब हो तो वो आगे आ जाएगा, बाकी और शेष कहानी यथावत रहेगी। इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव करने के लिए क्या लगाया हमने, नॉट, ठीक है ना। दूसरा देखिए, सेंटेंस है जैसे, मैं अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूँ। तो देखो, चुका हूँ तो पहचान हो गई, और समाप्त करना, कई बार डबल शब्द को जोड़कर हम एक ही वर्ब में उसका अर्थ दे देते हैं। तो समाप्त करना, जिसको हम सामान्य रूप में क्या लेते हैं, फिनिश लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से मैंने अपने और अपना शब्द लिया है, तो यहाँ समझना है आपको कि जब हमें एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन आता है। कौन सा प्रोनाउन, पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, माई, अवर, योर, हर, हिज, देयर, इट्स। तो मैं का पजेसिव क्या होगा, माई होगा। यू का पजेसिव क्या होता है, योर होता है। लेकिन अगर हम
प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं उससे आगे, जैसे कि हमने यहाँ प्रपोजिशन किया यूज, अबाउट प्रपोजिशन है, तो अबाउट प्रपोजिशन है तो हम इसके लिए हर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हालांकि इसका ऑब्जेक्ट भी हर है और पजेसिव प्रोनाउन भी हर है, ये भी समझने की बात है। लेकिन ऑब्जेक्ट और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर कैसे समझेंगे? जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो अकेला आता है और पजेसिव प्रोनाउन हमेशा किसी के साथ चलता है। जैसे माई शब्द को कभी हम अकेला यूज नहीं कर सकते, उसके साथ माई होमवर्क लगाएंगे हम, माई फैमिली लगाएंगे। लेकिन मी को अकेला, ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी है, तो मी को अकेला उपयोग करेंगे। जैसे ये सेंटेंस ऐसे होता कि मैं अपने बारे में एक लंबी कहानी लिख चुका हूँ, तो मैं के लिए मैं लगाता यहाँ आई, आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता, आई हैव रिटन ए लॉन्ग स्टोरी अबाउट मी, अबाउट मी आता, ऑब्जेक्ट होता वो, क्यों? प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लगाते। मैं अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूँ, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। गृह कार्य को क्या कह देंगे? आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। अगर अभी तक, ठीक है ना, तो अभी तक के लिए आप यट है, ये शब्द तो आते हैं एडवर्ब वगैरह, वो यूज कर लेते हैं अपन। तीसरा वाक्य देखिए, क्या तुम ताजमहल को कई बार पहले ही देख चुके हैं? ये सेंटेंस देखें, क्या तुम ताजमहल को कई बार पहले ही देख चुके हैं? तो यहाँ पर देखें आप, चुके हैं शब्द जो है वो पहचान आ गई, देखना वर्ब हो गई, किसको देख चुके हैं? ताजमहल को, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कई बार तो फ्रीक्वेंसी है या बारंबारता के लिए, पहले ही ये एडवर्ब है, ठीक है ना। तो क्या जो शुरू हो, क्या से जो वाक्य शुरू हो रहा है, इसके लिए आप क्या लगाओगे? हैज हैव आगे आ जाएगा, तो हैव यू, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? यू, तो हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। मैनी टाइम्स, कई बार के लिए क्या लगाओगे? मैनी टाइम्स, और लास्ट में हम एडवर्ब को यूज कर देते हैं अक्सर, ऑलरेडी। पहले ही के लिए क्या लगाओगे आप? ऑलरेडी। इस तरीके से टेंस की स्थितियां होती हैं और वो आपको समझनी है अच्छी तरह से। और कौन सा वाक्य है, इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखना है कि वाक्य अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जाएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर में जाएगा, या फिर आपका किस स्ट्रक्चर में जाएगा? इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो तीन वाक्य हो चुके हैं, और भी वाक्य आप देखोगे। देखिए वाक्य, तो वाक्य किस तरीके से हैं कि टेंस का जो नियम एक बार पकड़ में आ जाता है कि भाई हमें क्या कहाँ लिखना होता है, फिर हमारी वोकेबलरी की प्रॉब्लम होती है कि हम पर शब्द कितने आते हैं, और शब्द अगर हमसे है, फॉर्मूला हमसे है, तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये है। और फिर सरल से सरल वाक्य आपको बतलाए जा रहे हैं, कोई कठिनाई भरी क्रियाएँ या कुछ ऐसा बहुत ही जटिल तरीका भी नहीं है। जैसे देखिए, प्रधानाचार्य सभी विद्यार्थियों को
प्रधानाचार्य सभी विद्यार्थियों को मंच से प्रोत्साहित क्यों कर चुका है, ये क्वेश्चन देखें। प्रधानाचार्य सभी विद्यार्थियों को मंच से प्रोत्साहित क्यों कर चुका है, तो यहाँ पर वो ये प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, क्यों आपका इंटरोगेशन वर्ड हो गया, चुका है पहचान हो गई, कौन प्रधानाचार्य, किसको, सभी विद्यार्थियों को, कहाँ से, तो ये प्लेस हो गया फ्रॉम द स्टेज, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को यूज करेंगे, वाई हैज द प्रिंसिपल, वाई हैज द, क्यों डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आपने और सिंगुलर है, तो वाई हैज द प्रिंसिपल प्रोत्साहित करना, एनकरेज्ड प्रोत्साहित करना होता, मोटिवेट भी लगा सकते हैं आप, एक वर्ब है मोटिवेट, एनकरेज ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टेज, ये, और सेंटेंस देखें। तो हमने डब्ल्यू एच वर्ड क्यों का जवाब दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रधानाचार्य सब्जेक्ट है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में, एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, किसको, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको के जवाब में, होम का जो जवाब देता है, तो ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टेज। तुमने इस वर्ष अभी तक अपने बारे में कोई फैसला कैसे नहीं लिया है, ये भी इसकी पहचान में आते हैं। तो सेंटेंस थोड़ा लेंथी है, समझें आप, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझोगे। तुमने इस वर्ष अभी तक अपने बारे में कोई फैसला कैसे नहीं लिया है, तो आप इस तरीके को सबसे पहले आप देखें, जो वर्ड ऑफ इंटरोगेशन है उसको यूज करेंगे आप सबसे पहले, हाउ, कैसे, कैसी, कैसा, तो सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, हाउ, हैव यू। अब फैसला लेना, फैसला भी है और लेना, लिया का मतलब वर्ब क्या हो गई, लेना वर्ब हो गई, तो वाई, हाउ हैव यू और नॉट taken any decision about you, अपने बारे में, तो फिर about आ गया, फिर हम object लगाएंगे, तो you का subject भी you ही होता है और object भी, तो how have you not taken any decision about you this year yet, अभी तक के लिए क्या लगा दोगे आप, येट, येट मीन्स अभी तक। तो देखिए, सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच वर्ड को लगाया, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट है, वर्ड ऑफ इंटर नेगेशन है, फिर मुख्य क्रिया ही थर्ड फॉर्म है, क्या नहीं लिया, कोई डिसीजन, कोई निर्णय, तो एनी डिसीजन हो जाएगा, किसके बारे में, अपने बारे में, तो अबाउट यू आएगा, इस वर्ष के लिए दिस ईयर लगा दिया, और अब तक के लिए, अभी तक के लिए आप यट लगाओगे। तो इस तरीके से ये जो है, हमको सबसे पहले यहाँ से लेकर के ये कहानी समझनी है कि भाई डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है,
उसके बाद क्या लगा रहे हो आप, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है कि नहीं नॉट, टेक मीन्स लेने के अर्थ में टेक टेकन, थर्ड फॉर्म आ गई टेक टुक टेकन है, फिर क्या नहीं लिया तो क्या के जवाब में ऑब्जेक्ट है, कोई फैसला, क्या नहीं लिया तो एनी डिसीजन हो गया कोई के लिए। अब आ गया तुम अपने बारे में इस वर्ष और अभी तक, इसको आप सेटल कर दें अबाउट यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस ईयर अबाउट यू येट, इसको पहले ले लें और इसको पीछे, तो ये बहुत बड़ी गलती नहीं मानी जाती है। गलती में हमारा सबसे पहले ये समझा जाता है हमें कि हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब का प्लेस फॉर्मेट सही हुआ है कि नहीं, ये सबसे अच्छी बात होती है। एक और सेंटेंस देखें आप, उसके माता पिता, उसके माता पिता उसको क्या सलाह दे चुके हैं, उसके माता पिता उसको, रुको रुको इस सेंटेंस को ऐसे नहीं, उसके माता पिता उसको क्या सिखा चुके हैं, उसके माता पिता उसको क्या सिखा चुके हैं, तो क्या के लिए आप क्या लगाओ, बीच में क्या आता है उसके लिए व्हाट लगाते हैं, और शुरुआत में क्या आता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये भी समझना है। तो व्हाट से वाक्य कब बनाते हैं, जब बीच में क्या आता है, और शुरुआत में जब क्या आता है तो क्या करते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। व्हाट हैव हिज पेरेंट्स, अब सिखाने के लिए टीच वर्ब, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई टॉट, उसको तो यहाँ पर हिज पेरेंट्स लिया है टॉट हिम, व्हाट हैव हिज पेरेंट टॉट हिम, अर्थात उसके माता पिता उसे क्या सिखा चुके हैं। तो ये आपके मुख्य मुख्य सेंटेंस सभी तरीके के हमने इस टेंस के माध्यम से बतलाए, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी ख़त्म हुआ। और कल आपको नेक्स्ट वीडियो कॉलांस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका लास्ट कराएंगे। थैंक यू।